भाई जो है वो अभी आराम कर रहे हैं भाई। और कैसा है भाई, घास पे सही लग रहा है बैठ के? बढ़िया लग रहा है यार, है घास है बढ़िया। और भाई यार चटाई बिछाई हुई है चटाई बिछाई हुई है भाई, बढ़िया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई आप लोगों ने जो कैप्शन पढ़ा है टेकिंग माई जिप्सी टू जयपुर एंड अजमेर, वो 120, 140, 160 और 200% जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये किसी भी तरीके का क्लिकबेट नहीं है। सो मैं जो हूँ वो भाई अपनी जिप्सी को लेके जाने वाला हूँ जयपुर और अजमेर। यही दो सिटी मैंने क्यों चूज किए, क्योंकि भाई मेरा मन था कि राजस्थान की मैं इस बेल्ट में जब जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं जाकर आप लोगों से मिलूँ। तो इट्स काइंड ऑफ कि हम लोग करने वाले हैं जयपुर और अजमेर में मीटअप। क्या सीन है, कैसा है, आज की वीडियो में आप लोगों को पता लगने वाला है। और एक चीज़ और बताता हूँ, अपनी जिप्सी है, जिप्सी सीरीज इज ओवर, लेकिन स्टिल इसका जो फीडबैक है इसको चला के मैंने देखना था कि लॉन्ग रूट में जब ये गाड़ी जाती है तो उसका क्या आउटपुट आता है, तो आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर होगी। सो आज की वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन, स्पेशली अजमेर और जयपुर के जितने मेरे भाई लोग हैं, जितने मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। मेरे को आपके सजेशन चाहिए, आपके फीडबैक चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मीटअप प्लान करेंगे। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। मेरे से जब मैंने अपनी मनाली वाली ट्रिप करी थी तब बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई आपने अपनी जिप्सी क्यों बनवाई है जब आप उसको मनाली लेके नहीं आए। तो गाइज मैंने उस टाइम पे भी एक वीडियो आप लोगों को बना के बताया था कि गाड़ी जो है अभी रेडी नहीं है हाईवे में जाने के लिए। तो भाई अब एक तरीके से मैं लिटरली कह सकता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो हाईवे में जाने लायक हो चुकी है, क्योंकि मारुति की सर्विस हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने इसको चेकआउट कर लिया है, सारे ऑयल लेवल चेकड है। लेकिन स्टिल अपने मन को मैं और दिलासा देने के साथ साथ में इसको हाईवे में उतारने वाला हूँ। तो विशाल और मैं जो है वो हाईवे की ट्रिप में निकलने वाले हैं। डेट क्या रहने वाली है, सो ऑन 29 अप्रैल 2019 को हम लोग दिल्ली से निकलने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम 29 तारीख को जो है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आराम आराम करके वहां पर जो है पहुंचने तक में मैं पूरी की पूरी स्टोरीज अपडेट कर रहा हूँ। आई विल बी मेकिंग अ परफेक्ट व्लॉग। और देखो भाई व्लॉग जो है ना वो इसके बारे में भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई अपनी जिप्सी दिखने में अच्छी तो है ही, चलने में अच्छी है कि नहीं है। तो भाई एक बार विशाल भाई आ जाओ जरा, थोड़ा लोगों को पहले, बहुत सारे लोग जो हमारी तरह हमारी जिप्सी के लवर है तो भाई उनका प्यार है ये गाड़ी, एक तरीके से कह लो कि मेरी फैमिली की गाड़ी है, जैसी आप लोगों के लिए है वैसी ये मेरे लिए भी है। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं और एड ऑन करके बताता हूँ, 29 को जब हम दिल्ली से निकलेंगे पूरा मैं व्लॉग बनाते हुए इसका निकलने वाला हूँ। रास्ते में कोई मिलना चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको मिड पॉइंट में मिल जाऊँगा। लेकिन जो हमारा मीटअप होगा मैं उसके लिए अपना फ़ोन निकालता हूँ पहले, ठीक है भाई? तो कुछ भाई मेरे से पूछ रहे थे भाई आपने नया फ़ोन ले लिया उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो भाई मैंने अभी परचेज किया है ये सैमसंग का S10 Plus। और मैंने क्यों खरीदा है, क्योंकि भाई मेरे को एक फ़ोन की और ज़रूरत थी और थोड़ा शूटिंग करने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और स्पेशली आईफोन में बैटरी नहीं बचती है। तो भाई जयपुर में पहुँचने के बाद जो मैंने प्लान कर रखा है कि जयपुर में हम कहाँ कहाँ पर मीटअप पॉइंट रख सकते हैं, मैं जयपुर में केवल कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही जगह मीटअप पॉइंट रखूँ, दो तीन जगह नहीं रखूँगा। दिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन जयपुर कंपैरेटिवली बड़ा नहीं है, तो ये कोई परफेक्ट नहीं है कि भाई यही मीटअप लोकेशन होगी। मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन ट्यूसडे है, नेक्स्ट डे तक मैं जितने भी कॉमेंट देखूंगा, जितने भी लोग मेरे को बताएंगे भाई इधर कर लो या उधर कर लो, फाइनल करके मैं आप लोगों को वेडनेसडे वाले व्लॉग में बता दूंगा जो जो प्लेसेस मैंने शॉर्ट आउट कर रखी है। एक है नाहरगढ़ फोर्ट, ठीक है, पहला ये है, दूसरा है आमेर फोर्ट, तीसरा है स्टैचू सर्कल सी स्कीम, और फोर्थ है राम बाग पैलेस। तो इस सब चीज़ों में हमारी मदद की है अस्तित्व भाई ने, जिन जिनको नहीं पता अस्तित्व भाई कौन है, जिनके पास जीप थी, जिनके पास डस्टर थी, जिन्होंने अभी रिसेंटली नेक्सॉन परचेज की है, तो भाई उन्होंने मेरे को सॉर्ट आउट करके दिया हुआ है। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, लेकिन बताना वही जगह जहाँ पर हम लोग जाएंगे, ये गाड़ी पार्क हो जाए और आप लोग आके इस गाड़ी को देख सको। ऐसा ना हो मैंने पार्किंग में लगा दिया वहाँ पर, वो ज़्यादा लोगों को अलाउ ना करे, तो मेरा मीटअप करना बिल्कुल फेल हो जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं चीज़ बताता हूँ मेरी इस ट्रिप से क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। तो थोड़ा पास आओ, पहले दूर से नहीं हो पाएगी बात, पास। तो भाई एक्सपेक्टेशन जो है वो है बहुत ज़्यादा हाई मेरी इस बार। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस गाड़ी से रिलेटेड, आप लोगों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जयपुर अजमेर और स्पेशली जो है अपने नन्हे वाली जगहों में जैसलमेर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप ज़रूर आओ। तो जैसलमेर तक हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन इन दोनों जगहों को मैंने जो है वो सॉर्ट आउट किया है, और कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप लोग बहुत अच्छा प्यार दोगे। जिप्सी से बहुत अंधा भाई विश्वास है कि गाड़ी में हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, टच वुड, कुछ हो वुड अगर देख लो भाई, कुछ है वुड, आइए रहा वुड,
ये रहा भाई टचवुड की गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि भाई बहुत प्यार से बनाई हुई गाड़ी है। और हाफ ट्रिप में जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आधे ट्रिप में विशाल ट्रिप करेगा, ट्रिप नहीं करेगा मतलब गाड़ी को चलाएगा, तो रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक बैकअप व्हीकल भी साथ में लेके चले, अगर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं प्लान बन पाया, तो मैं अपनी स्विफ्टी लेके जाऊंगा, फिर कोई ना कोई और बंदे भी हमारे साथ आ रहे होंगे जो कि जुड़ेंगे और वो उस गाड़ी को हमारे पीछे ड्राइव करके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा कि ये गाड़ी हाईवे में उतरेगी, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन ये तो बात हो गई भाई जयपुर वालों की, 29 तारीख को जब हम पहुंच रहे, तो 30 तारीख को हमारा ये मीटअप रखा जाएगा। अगेन अभी बता रहा हूँ, 30 अप्रैल 2019 को हमारा मीटअप होना है। लोकेशंस मैंने आपको बता दी है, अगर आप जानना चाहते हो तो फिर से आप लोगों को लोकेशन बता देता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शंस है। सो भाई हमारे पास जो सबसे मोटे मोटे ऑप्शन अभी है, जयपुर में है नाहरगढ़ फोर्ट, आमिर फोर्ट, स्टेचू सर्कल, सी स्कीम और रामबाग पैलेस। अगेन आपके दिमाग में कुछ हो जो बिल्कुल सॉर्ट आउट है, जहां पर कोई दिक्कत ना हो, तो वहां पर हम रख सकते हैं। 30 तारीख जयपुर अप्रैल हम लोग आपके पास आने वाले भाई। इसके बाद अगली जगह है अजमेर, जो कि बन्ना, जहां पर सबसे मतलब दर्जा देने के लिए बन्ना बोला जाता है और एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है दूसरे बंदे को, तो उसके लिए आपका भाई जो है जिप्सी में चढ़ेगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा भाई पास आ रहा हूं, सही आ रहा हूं ना। तो भाई देखो बात ऐसी है कि जो हमारी सेकंड लोकेशन है वो है हम लोगों की अजमेर। तो अजमेर में मैंने बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट करी थी, और जो इसका मीटअप वाला दिन होगा वो 1 तारीख रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग अजमेर के लिए निकल जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो है हम लोग 1 तारीख को मीटअप करेंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली है, क्योंकि हो सकता है क्या मैं 2 तारीख को कर लूँ, क्योंकि 30 तारीख को अगर हम लोग पूरा दिन ही उधर बिजी रहते हैं तो हमारे लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्टिल क्या कहता है विशाल, 30 को निकलेंगे उधर से या फिर क्या करेंगे? अगले दिन निकलने का कर रहे हैं। तो भाई फॉर अपडेट, अगर हम 1 तारीख को निकलते हैं तो मीटअप 2 को रखें है, मीटअप 2 को रखें ना। तो भाई 2 तारीख का मीटअप है, यानी कि 2 मई 2019 को हम लोग अजमेर में अपना मीटअप करेंगे। जो जगह मैंने सॉर्ट आउट किया, जो कि मैं जब गया था अजमेर में अस्तित्व से मिलने के लिए, तो तब मैंने सॉर्ट आउट किया था वहां पर कि भाई हम लोग जाएंगे GLO ग्राउंड। आप लोग अजमेर में लिख लेना, जितने भाई मेरे अजमेर के हैं डू लेट मी नो कैसी जगह है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने उधर का बारे में बताया कि भाई बहुत अच्छी सॉर्टेड जगह है, तो उधर आप ज़रूर आना। तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन भी है कि वहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छे अपने भाई लोग देखने को मिलने को ज़रूर मिल जाएंगे। और बाकी तो भाई देखो जितनी भी तरीके से हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक एक अच्छा आउटपुट लेके आऊँ। आज की वीडियो भी भाई केवल एक अपडेट वीडियो है, क्योंकि अभी मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। लिटरली मेरा मन बहुत है आप लोगों को बताने का, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं मई में कहीं जाऊंगा और उसके बाद वापस आऊंगा तो हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। एंड यार क्या करूं, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बाकी फिर से अपडेट दे देता हूं, 29 तारीख को हम लोग दिल्ली से निकल रहे हैं, 29 को ही हम जयपुर पहुंच जाएंगे। अपडेट जो है वो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, अगर अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो MUSAFIR7811 यानी कि Musafir7811 में फॉलो करना, और भाई आपका भाई वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसी के साथ में हम लोग जब अपना वहां पर मीटअप कर रहे हैं तब होगा 30 अप्रैल 2019। इतना क्लियरली इसलिए बता रहा हूं, बंदे कहते हैं यार आपने बताया नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मीटअप होगा वो होगा अजमेर में, 1 तारीख को हम लोग निकलेंगे जयपुर से, ठीक है, 1 तारीख को हम जयपुर से निकलेंगे और 2 तारीख को हमारा अजमेर में हमने मीटअप प्लान किया। तो भाई आई होप कि आप लोग जरूर आओगे, और राजस्थान का प्यार फुल पावर चाहिए, एंड स्पेशली भाई इसका प्यार है भाई, इसमें जो मजा है भाई वो और किसी चीज में नहीं है। और मेरे को भाई सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को उस गाड़ी को चलाना है, हाईवे में भगाना है, देखना है भाई क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती है। आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि भाई मेरे साथ विशाल भी होगा और भाई हो सका तो बैकअप टीम लेके चलेंगे, क्योंकि फिर एक अलग लेवल वाली फीलिंग आ जाती है। सो अब बारी आ चुकी है कि विशाल भाई से भी आप लोगों को मिलवा दिया जाए। तो विशाल भाई एक चीज बताओ, लोग कह रहे थे कि जो आपका आगे वाला शीशा है और जो पीछे वाला शीशा है वो अलग है ऐसा? आगे वाला मतलब ये जो है ये और पीछे वाला अलग है? क्यों अलग है भाई? भाई मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था। तो भाई ये बिल्कुल व्हाइट वाला जो है ग्लास है, जो कि नॉर्मल ग्लास आता है, एंड इसमें ग्रीन टिंट ग्लास है ये। इसकी बात कर रहा है या? तो और कौन सा सोच रहा था? पीछे विंडस्क्रीन तो वो भी है भाई, वो भी ग्रीन टिंट है यार, देखना वीडियो में तो साफ दिख रहा है ग्रीन टिंट। साइज का भी तो फर्क है ना, तो साइज की बात कर रहा था भाई। वाह आदाब भाई, आदाब आदाब। तो विशाल थोड़ा लोगों को भाई एक बार बता दे जिस लोकेशन में हम आ रखे हैं, द्वारका में है, यहाँ पर पीछे काम वाम भी चल रहा है। कौन सा सेक्टर है? सेक्टर 12 ना। तो विशाल ने मेरे को कहा ये अपना द्वारका इंटरनेशनल स्कूल पढ़ता है, यहाँ पर इसके पीछे वाली जगह में आए थे, यहाँ से हम लोग अंदर आए, ठीक है, और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है। और पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई हो एक बारी, क्या है भाई? बाउली है। बाउली है ये, मतलब अभी रिसेंटली फाइंड आउट हुआ था ना? नहीं, हो गया, इसको तो
काफी टाइम हो चुका है भाई। देखो बीच में हुआ क्या था, ये बाहुली बहुत अच्छी तरीके से, भाई देखो एक तरीके से हमारी हिस्टोरिक जगह है, लोगों को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे भाई लोग यहाँ पर ड्रिंक करने लग गए थे, अंदर जाके स्मोकिंग करते थे। तो भाई एक बार अगर मैं आपको दिखा सकूं, देख लो ठीक है। अब पता नहीं भाई, देखो अंदर जाना मेरी गौर से अलाउड नहीं है, और मैं ना तो रूल कोई ब्रेक करूंगा, बस मैं पढ़वा सकता हूँ ना भाई लोगों को। इधर पढ़ लो भाई, दिल्ली विकास प्राधिकरण सॉरी वाटर बॉडी ग्राम, ये लोहारी हाड़ी, पता नहीं अभी क्या लिखा हुआ भाई, समझ लो भाई इससे। तो इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ, अंदर है, अंदर है क्या भाई? जब इतनी चीजें लोगों को बताई रहे तो एक चीज और बता दीजिए। तो देख लो भाई, बाउली जैसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके गाइस, तो पॉज करके पढ़ लेना भाई, प्लान है। कितना टाइम हो गया भाई इसको बने में? तो बहुत पुराने है, लिखा हुआ 2013 में तो हुआ होगा ये, ढूंढा कब गया था इसको? लैक ऑफ नॉलेज भाई, लैक ऑफ नॉलेज, मेरे को भी नहीं पता भाई। तो गाइस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को पूरा खत्म कर रहा हूं, आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो गाइस बारी आ चुकी है कि वीडियो को एंड कर दिया जाए। विशाल भाई बहुत देर से कैमरे को पकड़ के बैठे थे, बोल रहा था भाई कितना बोलेगा, लेकिन फाइनली जो है वीडियो एंड करने का वक्त आ चुका है। तो विशाल एक चीज बता भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है जिप्सी से सबसे पहले, तो ये बता। बस हीट ना करे यार, है ना? हाँ बस मेरा भी यही है, हीट ना करे और कहीं लीकेज ना हो, क्योंकि लीकेज हो गई तो भाई घोड़े घुल जाएंगे। हीट कर गई, स्टिल एक चांस है कि हीट हो जाए तो गाड़ी रोक के साइड से कुछ जुगाड़ कर लो। सब लेके चलना पड़ेगा इसका, जो भी इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, सब कुछ मैं लेके चलूंगा। और भाई राजस्थान से क्या उम्मीद है, अजमेर और राजस्थान के अपने जयपुर वालों से? है जयपुर तो भाई वैसे भी अपने दिल के बहुत करीब है, और मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई आप कहीं टकले तो नहीं हो सर से, तो भाई देखना एक बारी, बाल तो पूरे हैं ना विशाल? तो भाई विशाल ने बोला, मैंने भी सोचा कि भाई आज बिना टोपी के ना, यार होता क्या है हमें ना टोपी पहनने की आदत हो गई, हमें मतलब मेरे को टोपी पहनने की आदत है, तो मैं ना टोपी पहने बिना मेरे को लगता है कि अधूरा सा कुछ होगा, तो भाई इसीलिए टोपी पहन लेते हैं और सही लगता है। तो भाई वीडियो को आज कर रहे हैं एंड, सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। फिर से बता रहा हूँ, 30 तारीख को जयपुर, 2 तारीख को अजमेर में हमारा मीटअप है, प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो ज़रूर आना। संडे का मैं नहीं रख पाया हूँ, जितने मेरे स्कूल के भाई है, जितने मेरे कॉलेज के भाई है, जितने मेरे जॉब करने वाले भाई है, प्लीज़ ज़रूर आइएगा। भाई बहन जितने भी लोग हैं सब प्लीज़ आना, बोलोगे भाई बोल दे केवल, तो आप आओगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं मुसाफिर की है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना है ना, और क्या है, सब्सक्राइब कर देना भाई, बढ़ाना है भाई हमें, आगे बढ़ाना है भाई, 1 मिलियन से प्लस करके 2 मिलियन करना है आप लोगों ने। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा देना। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811, और आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहेगा। तो भाई आज की इस वीडियो को कर रहे हैं एंड, कैसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। विशाल का ही फोन बज गया, मेरा ही बज रहा है।